नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा मैंने किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, कहाँ से अप्रेंटिस करें कि आप लोगों की सरकारी नौकरी लग जाए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हमारे देश में जितने भी विभाग हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला विभाग जो है वो रेलवे है। आप लोग जानती हैं 20% का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है। आप लोग एक जो है डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, आपकी कट ऑफ अलग तरीके से डिफाइन होती है। आप यकीन नहीं करोगे, आधी तक कट ऑफ देखी है मैंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद। अगर आप जो है काइंड ऑफ ग्रुप डी की वैकेंसी में जाते हैं तो आप लोगों को पता ही कितना रिलैक्सेशन आपको मिलता है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर, जो आप लोगों का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पर जो है आप लोगों को क्या मिलता है, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये दो विभाग हैं जहाँ से अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ वेटेज आपको मिलती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल में एक ही हमारा विभाग है रेलवे, जहाँ से आप लोगों को इतना बेनिफिट पहले ही दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ विभाग ऐसे हैं, जैसे आप लोगों ने ऑयल इंडिया देखा होगा, अगर आप वहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो ऑयल इंडिया में अगर कोई भी नौकरी मिलती निकलती है तो आप लोगों को जो है पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा जो असम और अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर जो ऑयल इंडिया में नौकरी निकली थी अभी हाल ही में, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को वहाँ का मैंने सब कुछ बता दिया था। अब बात करते हैं कि 2021 आ गया, 2022 भी आएगा, 23 भी आएगा, 24 भी आएगा, हम कहाँ से अप्रेंटिस करें। देखो भाई, आप लोग जानती हैं 60 65 या 70 में रेलवे में सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी अच्छी परसेंट है, 75 है, 80 है, 75 वालों को भी मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। अगर आपकी 75 है, 80 है, 85 है, 90 है या 90 से ऊपर है, तो आप एक ही टारगेट लेके चलो जीवन में, वो है रेलवे। क्योंकि रेलवे से ही अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आप लोग को कुछ ना कुछ वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि रेलवे में अभी कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग कितने जो है डे बाय डे किस तरीके के प्रोटेस्ट करते हैं कि रेलवे में जो है आईटीआई वाले बच्चों को मैनेजेरियल लेवल पे जो है हायर कर लिया जाए और उनको जो है प्रोविजन दे दिया जाए। अभी भी चल रहा है और एक दिन ऐसा आएगा, देखना, कि आईटीआई वाले बच्चों को ऐसा बेनिफिट दिया जाएगा ना कि वैसा बेनिफिट कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं तारीफ नहीं कर रहा भाई रेलवे की, लेकिन ये रेलवे में जो बेनिफिट है वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन हमारे देश में रेलवे में उतना अच्छा नहीं सिखाया जाता जितना बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। हमारे जो अदर विभाग हैं, कुछ प्राइवेट विभाग भी इतने अच्छे हैं जो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं। DRDO है, DRDO इतने अच्छे तरीके से सिखाता है। हमारा जो जो IOCL है, IOCL इतने अच्छे तरीके से सिखाता है। जो HAL है, HAL सिखाता है। उसके अलावा जो हमारा रिसेंटली 4-5 NPCIL में भी 4-5 जो है एरिया में वैकेंसीज निकलती, वो बच्चों को सिखाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सिखाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, लेकिन वेटेज कहाँ पे मिलती है बच्चों को, वो है रेलवे। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को कहाँ से अप्रेंटिस करनी है, किस बेसिस पे करनी है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, जीवन में अगर आपका मकसद है कि सिर्फ तैयारी, आप लोगों को जो है नॉलेज लेनी है, तो आप कहीं से भी अप्रेंटिस कर लो, ऑल आर इक्वल। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो कोई ऐसा विभाग छाटो जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाया जा रहा है। बाकी अगर आपको बेनिफिट नहीं चाहिए उस तरीके का, जिस तरीके का मैंने वेटेज वाला बताया था, तो कहीं से भी अप्रेंटिस कर लो, आप कहीं ना कहीं से सीख ही लोगे। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास कंप्लेंट भी शेयर की है कि उन बच्चों को हायर तो कर लिया जाता है, जैसे मैं मारुति सुजुकी का एग्जांपल लेके चलता हूँ, उन बच्चों को हायर कर लिया जाता है लेकिन उनसे वो काम नहीं करवाया जाता जिस ट्रेड के लिए उनको हायर किया गया है। फिटर के बच्चों को बुला लिया, इलेक्ट्रिशियन के बच्चों को बुला लिया, वेल्डर के बच्चों को बुला लिया, टनर के बच्चों को बुला लिया, कोपा के बच्चों को बुला लिया, किसी भी कैटेगरी के बच्चों को बुला लिया और उन लोगों से लोडिंग और अनलोडिंग का काम करवाया जा रहा है। तो अगर कोई विभाग का व्यक्ति, DGT या फिर सरकार जो इस तरीके के काम को संभालती है, अप्रेंटिसशिप को हैंडल करती है DGT हमारी, तो अगर आप लोगों की इस वीडियो पे नज़र है तो प्लीज़ बच्चों की थोड़ी सहायता करें, क्योंकि ऐसा काम हो रहा है। बाकी देखो, सरकारी नौकरी के लिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो अप्रेंटिस के बेस पर आप लोगों के लिए नौकरियाँ निकालने लगे हैं, सरकारी परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात नहीं कर रहा। ऐसा देखा भी आपने, हाल ही में देखा होगा कितने सारे विभाग आप लोगों के लिए आए थे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो, ज़बरदस्ती नहीं है अप्रेंटिस करना, बिना अप्रेंटिस के भी बहुत बच्चों की नौकरी लग जाती है। बस अप्रेंटिस से एक आपका जो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ पर, ये एक एडवांटेज आप लोगों को मिलता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो ऐसे ही विभाग से करो जहाँ से आपको सीखने को मिले और आप लोग जो है आगे चल के उससे फ़ायदा भी उठा सकें। और बाकी नॉलेज के लिए करना है तो कहीं से भी कर लो भाई, जो अच्छा विभाग है, कितनी भी परसेंटेज पे आपको हायर करना है।
अगर नौकरी चाहिए तो ऐसे विभाग को चूज करो जहां से आप लोगों को एडवांटेज मिलता है। मैं 10 ऐसे विभाग की आप लोगों को लिस्ट देने वाला हूं, अभी नहीं दूंगा, इस वीडियो में थोड़ा समय लगेगा, 10 ऐसे विभाग की लिस्ट दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते तो नहीं दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे विभाग की लिस्ट दूंगा जहां से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को नौकरी में वेटेज दी जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे जो है खाली एक थंब चाहिए आप लोगों का कमेंट बॉक्स में, और अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। 10 विभाग रेडी हैं, बस आप लोगों को सर्कुलेट करना बाकी है, क्या किस तरीके से होता है विभाग में वो भी कोशिश करूंगा कि वो भी क्लियर कर दूं। और बाकी आप लोगों को पता ही है कि अप्रेंटिसशिप की तैयारी के लिए बहुत सारी बुक्स आप लोगों के लिए रेडी है, स्टॉक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाकी है बस, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, और फिर जो है जब AITT के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम जो है फिर कुछ नया और स्टार्ट करेंगे। तो इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जो आपको स्टॉक में दिख रही है वो ले लो, और जो नहीं दिख रही वो आउट ऑफ स्टॉक आपको दिख जाएगी ऑटोमेटिकली, पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है, इन केस अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप लोगों को कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो है पुट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अवेयर कर सकूं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अप्रेंटिस करते हैं कहां से करने चाहिए आप लोगों को और क्यों करने चाहिए ये सारी चीज़ें। अप्रेंटिस के तुरंत बाद सरकारी नौकरी लगना आई डोंट थिंक कि जो है इस विभाग से करेंगे तो आप लोगों को लग जाएगी, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करने पड़ेगी, बस एक वेटेज आप लोगों को मिल जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे को अगर कोई फीडबैक देना है तो भाई दीजिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। थैंक यू।